नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। क्योंकि एक किसान के छोटे नन्हे किसान के कॉल पे मैं जहानाबाद आया हुआ हूँ। घर से अपने 60 किलोमीटर दूर छुट्टी था आज, और इनका बेचारे का रिक्वेस्ट था और मैं मजबूरी देखते हुए आया। तो वैक्सीन, चूँकि वैक्सीन लगाना बकरियों को बहुत ज़रूरी है, और अगर वैक्सीन आप नहीं लगाते हैं तो आपको परेशानी का सामना कभी भी करना पड़ सकता है। और आप अभी सही सलामत बकरी पालन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हमेशा आपका जो चल रहा है बाड़ा सही सलामत हो, बिना विदाउट वैक्सीन सब दिन चलेगा। बहुत लोगों का कहना है कि मैं कभी वैक्सीन नहीं लगाता, तो बीमारी कह के नहीं आता मेरे दोस्त। कभी भी बीमारी दस्तक दे सकता है और आपका बसा बसाया फार्म डूब जाएगा। ठीक, बहुत लोगों का कहना है कि छोटा 10 बकरी पोस लिए हैं, अपने आप को गोट फार्मर कहते हैं, तो किसान चाहे थोड़ा सा खेती करे या ज़्यादा खेती करे, मेरे भाई वो किसान ही होता है। ये छोटा सा लड़का अपना एक शुरुआत किए हैं बकरी पालन का, और इनका गार्जियन भी जितना हो सकता है सहयोग कर रहे हैं। तो पढ़ाई के साथ अपना ये किए हैं, कुछ अपना इनका जो व्यक्तिगत परेशानी है क्यों ऐसे किए हैं इसके पीछे अपना कारण खुद बताएंगे। और उनके पास बकरियाँ हैं जो भी मैं नज़दीक से दिखाऊँगा, अभी थोड़ा छाँव में बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने शुरुआत किया है। हालांकि बकरी पालन कभी भी छोटे बच्चे से शुरुआत नहीं करना चाहिए। तो बड़ी बकरी भी है जो नीचे मैंने आपको दिखाया, और कुछ बच्चे भी हैं। तो हालांकि करना तो चाहिए बड़ी बकरी से, छोटे से नहीं करना चाहिए, लेकिन परिस्थिति इंसान को करने पर मजबूर कर देता है या फिर जानकारी का अभाव। लेकिन चूंकि मैंने बेड़ा उठाया है कि ये बच्चे को मैं जानकार बना दूंगा, ताकि अपना बेचारा जितना हो सके जो मैं कर सकता हूँ हेल्प मैं करूँगा। और मैं घर से अपना इनके कॉल पे घर से अपना वैक्सीन लेके आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं, बहुत लोग का कमेंट आएगा कि वैक्सीन लाए हैं तो पैसा ऐठेंगे, ऐसा नहीं है। मैंने बिल्कुल अपना घर से वैक्सीन लाया हूँ, और मैं इनसे इस वैक्सीन का कोई भी पैसा मैं लेने वाला नहीं हूँ, और नहीं मैं आया हूँ जिसका कोई फीस लूँगा। ऐसा ही है, अगर दिल से कोई पुकारे और मेरे पास टाइम हो तो मैं बिल्कुल ज़रूर जाता हूँ। और कोई टेढ़ा होकर सवाल है कि अगर अच्छा सोचे कि कोई दबाव दे के कोई काम करा ले तो कुशवाहा से तो हो ही होगा ही नहीं। तो इनके देखिए, मैं वैक्सीन का ये है कि कभी भी वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। थर्मोकोल का ये बॉक्स है, नज़दीक से दिखाइए। देखिए आइस पैड है, इसमें आइस भी है, ये बर्फ है, अंदर बर्फ है। और ये मैंने ET+TT का वैक्सीन मैं लाया हूँ। तो सभी को डिवॉर्मिंग मैं इनको फ़ोन पर बता दिया था, तो डिवॉर्मिंग कर चुके हैं, यानी कीड़े की दवा दे चुके हैं, डिवॉर्म कर चुके हैं। कभी भी वैक्सीन लगाने से 36 घंटे पहले डिवॉर्म जरूर कर लेना चाहिए। तो देखिए, सबकट लगाया जाता है, यानी चमड़ा में लगाया जाता है। तो मैं किस तरीका से वैक्सीन लगाता हूँ चमड़े में, जो आप खुद देखेंगे। और वैक्सीन बिल्कुल लगाने आना चाहिए आपको। और मैं तो ये कहूँगा कि फास्ट एड इलाज, जो शुरुआती इलाज है, वो हर पशुपालक को आना चाहिए, और तो ही संभव है। और नहीं तो बहुत लोग कहते हैं कि अनुभव करते करते होता है, तो करते करते तो हो जाएगा अनुभव, मैं मानता हूँ। लेकिन तब तक आप टिकेंगे तब तो, जहाँ थोड़ा सा लॉस होगा आपका हालत खराब हो जाएगा, बंद कर देंगे तो फिर सीखने का मौका आपको मिला कहाँ। आप नहीं जानते हैं, आपको लॉस हुआ तो लॉस से आप सीखेंगे, वही सीख पाते हैं जिनके पास पूंजी है, दोबारा खड़ा हो जाएंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, बहुत सारा लॉस कर चुके होंगे। लेकिन जो छोटे किसान हैं, इन जैसे किसान हैं, तो एक बार लॉस हो जाएगा तो दोबारा ये उठेंगे नहीं। और बकरी पालन करने वालों को गाली देंगे कि मैं किया था, मेरी मर गई। तो ये बकरी पालन बदनाम ना हो, इसलिए छोटे से किसान के बुलाने पर मैं यहाँ आया हूँ। तो प्रत्येक बकरियों के लिए 2 ml इस्तेमाल करना है। 2 ml आपको सबकट चमड़ी में देना है, चाहे बकरी छोटी हो या बड़ी हो। लेकिन मिनिमम एज 90 डेज, यानी कि 3 महीना कम से कम बकरी का, यानी मेमने का हो जाना चाहिए। 3 माह से नीचे को बकरियों को आप नहीं दे सकते। एक गर्भित बकरी को भी हम लगा सकते हैं, जो गर्भित बकरी है, जो जिसके पेट में बच्चे हैं, उसे भी हम लगा सकते हैं। और देखिए, सबकट लगाने का ये है कि ये जो ये पैर का जो हिस्सा है यहाँ, ये चमड़ी को हम खींचेंगे, चमड़ी को खींचेंगे। देखिए मैंने खींचा, थोड़ा सा मैंने नीडल को अंदर किया है, ये पुश मैंने कर दिया, ये इसका वैक्सीनेशन हो गया। इसी तरीका से हम सबको लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरीका है, चमड़ी में लगाना है। ये छोटा सा बच्चा, मैं फ़ोन पर इनको बताते रहता हूँ और जो टाइम मिलता है, और एक बार समझाने के बाद ये लड़का आराम से वैक्सीन लगा रहे हैं। तो सोचिए, लोग कहते हैं कि इंजेक्शन हम कैसे लगा पाएंगे। इंजेक्शन लगाने के लिए आपको उतना कोई नहीं कह रहा है, लेकिन वैक्सीन लगाने तो आना खुद चाहिए। बाकी तो जो बीमार पशु है, तो अगर आप कर पाएँ फास्ट एड तो शुरुआती इलाज तो ठीक है, नहीं तो पशु चिकित्सक से संपर्क में रहें, उनको बुलाएं, करवाएं। लेकिन वैक्सीन लगाने का कला आपको स्वयं आना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन तो स्वयं आपको लगाना ही होगा। तो आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। देखिए, हमेशा जब निकालने के बाद, जैसे वो निकाला गया, निकालने के बाद फिर उसी में रख दिया गया है जिसमें बर्फ रखा हुआ है, ताकि
टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो वैक्सीन को टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लगाने न लगाने से कोई फ़ायदा आपका नहीं होगा। हाँ, अच्छी तरह से एयर निकाल लें और उसके बाद फुल कॉन्फिडेंस के साथ लगाएं। नहीं लगाइए लगाइए लगाइए, सब 3 महीना है, ब्लैक बंगाल है, चूँकि देख रेख में नहीं पला इसलिए विकास नहीं कर पाया है। चलो तुम कस के चाँप पकड़े रहूँ, बस शाबाश शाबाश जमान, बहुत अच्छा। जो दो बकरी दो बच्चे हैं जिसको दस्त और जुकाम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा दस्त है, तीव्र दस्त है और जुकाम है, तो उसके लिए हमने इनको बोल दिया था फ़ोन पे कि दवा ला के रखना है, तो ये ला के रखे हैं। इंटासेप है, ये इंटासेप 1 ग्राम है और ये डेक्सोना मैंने मंगवाया है। डेक्सोना जो दवा है कभी भी गर्भित बकरियों को ना देना चाहिए, और दवा कभी भी वेटनरियन के देख रेख में करें, डॉक्टर के देख रेख में करें, उनसे सलाह लेके करें। और चूंकि मैं रात दिन करता हूँ, प्रैक्टिस है और इसका मैंने बहुत टाइम दिया है, तो ये मैं कर पा रहा हूँ। नए लोग बिना डॉक्टर के जानकारी में ये काम ना करें। देखिए इसको घोलने के लिए क्या करना होता है, इसके अंदर वाटर है, चूंकि 1 ग्राम है और 250 mg ही बच्चे को हमें देना है, तो इसको हम 4 भाग में करेंगे। तो हम इसमें से 10 ml पानी इसमें हम डालेंगे, 10 ml पानी डालेंगे 1 ग्राम में, और 2.5 ml उसमें से हम निकालेंगे तो 1/4 भाग निकल जाएगा, तो 250 mg निकल जाएगा। किसान को खुद फास्ट एड इलाज खुद करने आना चाहिए, छोटे छोटे बातों में आप डॉक्टर पर आश्रित नहीं रह सकते हैं, वो आ नहीं पाएंगे। और इसमें हम ये जो डेक्सोना है इसको हम 1/2 ml लेंगे, हम 1/2 ml हमने डेक्सोना ले लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बकरियों को इंजेक्शन लगाने के लिए नीडल आपका जो लगा हुआ आता है वो नहीं चलेगा, बकरियों को इंजेक्शन लगाने के लिए 22 गेज का नीडल का इस्तेमाल करें। तो देखिए हमने इस टेप में जो लगा हुआ था वो नीडल को हटाया है, और इसमें हमने 22 गेज का नीडल, जो 22 गेज का एक नीडल आता है, इसको मैंने इसमें लगाया है। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, धुंधला आपको लग सकता है वीडियो में। हमने एयर निकाल लिया, ये इंटासेप और डेक्सोना का मिक्स किया हुआ है, इंटासेप डेक्सोना एक ही सिरिंज में मिला के आप दे सकते हैं। आइए देखिए, दो बच्चों को अलग करके रखा गया है जो बीमार है। आगे से गर्दन पकड़, देखिए इस तरीका से हम इस गर्दन में ऐसे एंट्री करके बैक करके देख सकते हैं, अगर ब्लड आ रहा है तो हम नहीं दे सकते थे, हालांकि ये IV भी दिया जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। इस तरीका से हम उसको लिख, एक बच्चा देखिए दस्त किया है, सभी जगह बच्चा दस्त किए हुए हैं, तो इसको अलग हटा के रखा गया है ताकि बाकी बकरियों में इन्फेक्शन ना पहुंचे। हालांकि शायद इस टाइप का मेरा पहला ही वीडियो होगा जो मैं इस तरीका से पूछूंगा, जैसे ये छोटे लड़के हैं अभी पढ़ने वाले हैं और क्या सोच के बकरी पालन में किए आए हैं, और क्या सोच के बकरी पालन में किस बकरी पालन में या क्या पाना चाहते हैं, किस लिए बकरी पालन शुरू कर दिए। जिस एज में लड़के PUBG खेलते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं और उसी को अपना जीवन समझते हैं, और बकरियों से तो उनको नफरत है, यानी कि उनको बेइज्जती महसूस होता है कि बकरी पालन का तो नाम से नौजवान भागते हैं जो इस एज के लड़के हैं, तो क्या सोच के बकरी पालन बेचारे शुरू किए हैं, तो इनसे हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नितेश कुमार। पढ़ाई भी कर रहे होंगे? अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हैं और क्या सोच के बकरी पालन का इरादा आपने किया है, ये जरा बताएं दर्शकों को। मैं 11th क्लास में पढ़ता हूं और मैं पढ़ाई के साथ साथ ये भी रोज़गार किए हुए हूं, मेरे पिताजी किसान हैं, तो मैंने सोचा कि कुछ किया जाए पढ़ने के साथ साथ, जो खेलते कूदते हैं उस टाइम में कुछ ये कर लिया जाए अपने पढ़ाई करने के साथ साथ। हाँ, तो जिसे खेलते कूदते हैं जिसे आप बोले, तो क्या आपका दोस्त या मित्र जो ये कहते होंगे जो आपके साथ पढ़ते हैं, तो आपका मजाक बनाते होंगे कि तू बकरी पालन कर रहा है, तो ऐसा भी बोलते होंगे? और क्या बकरी पालन करके क्या हेल्प कर सकते हैं, गार्जियन का क्या कर सकते हैं? मैं बकरी पालन करके कम से कम तो अपना पढ़ाई का खर्चा तो निकाल सकता हूँ, और मेरे दोस्त सब कहते हैं कि तुम बकरी पालन करता है, तो मैं कहता हूँ कि कहने दो जो कहना है, मैं अपना खर्चा खुद निकाल रहा हूँ पढ़ने के साथ साथ, और सब घर पे मम्मी पापा सब मेरे साथ हैं, और हम उनसे कोई मतलब नहीं है, दूसरों से अपना मैं देखता हूँ। ठीक है, देखिए लड़का का जो लड़के हैं इनका जुनून है, भगवान इनका मदद करें, सफलता दें, इन्होंने शुरुआत किया है
और इनके जो फादर हैं पीछे इनके पिताजी खड़े हैं, हम उनसे पूछेंगे। साधारण किसान हैं, इनके बारे में पता किया हूँ। खेती बाड़ी बहुत कम है, अपना खेती बाड़ी दूसरे से भी लेके करते हैं। तो इनका बच्चा अगर बकरी पालन किया है तो किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो इनसे पूछेंगे। आपका जो लड़का है बकरी पालन शुरू किए हैं, तो क्या आपको ये लग रहा है कि ये काम ठीक है, या फिर आपको कुछ लगा कि ये गलत कर रहा है, इससे पढ़ाई पर इसका फ़र्क पड़ेगा, ऐसा कुछ लगा? ये बकरी पालने से इनका पढ़ाई पर कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ा है, ठीक है, अपना टाइम निकाल के कर लेता है, बाकी तो सब हम लोग संभालते हैं, किसान आदमी हूँ। देखिए, यही होता है, जो जिनको कुछ जीवन में करना है तो गरीबी के रोना रहिन नहीं रोते हैं। अब कम से कम ये तो बात सही है कि ये लड़के जरूर जो 11th में भी पढ़ रहे हैं, ये तो जरूर बेचारे जरूर ये सोचे हैं कि अगर हम ये करते हैं तो ठीक है। पहले भी मेरा इनसे बात हुआ तो ये बोले कि ठीक है, अभी तो मैं बच्चा ले लिया क्योंकि मैं जानता नहीं था, अब कुछ बड़ी बकरी जो करूँगा मैं कोर्सेज, और कुछ बकरी अभी नीचे देखे जो इन्होंने लाया है, बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं ब्लैक बंगाल। तो इनका कहना है कि कुछ नहीं तो कलम कॉपी किताब का खर्च, ट्यूशन फीस का खर्च निकल जाएगा, तो क्या जाता है, कम से कम मैं पढ़ तो पाऊँगा, नहीं तो अगर मैं कुछ अपने तरफ से नहीं कर पाऊँ तो पिताजी मेरा कितना हेल्प कर पाएंगे, घर भी चलाना है और खेती बाड़ी भी उतना नहीं है, और प्रकृति का जो मार है, आंधी तूफान बारिश बाढ़ सब जो इधर अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहाँ तक हेल्प कर पाएंगे, खेती से कुछ उतना हासिल हो नहीं पा रहा है। तो कोई अगर पढ़ाई जारी रखना है तो कुछ ट्राई करके देखते हैं। तो मैं खुद कह रहा हूँ, मैं इनको हिम्मत दिया हूँ कि चलिए ठीक है, जितना हो सकेगा मैं आपको हेल्प करूँगा, क्लास भी इनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा, क्योंकि ताकि ये सब चीज़ जान जाए, और जब भी मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं एक विजिट ज़रूर मैं यहाँ करूँगा, जैसे कि मैं आज ईटी का टीका यहाँ के लगाया हूँ, और 21 दिन बाद फिर बूस्टर डोज इनसे मैं खुद लगवा दूँगा, इतना मैं इनको सिखा के जाऊँगा, समझा के जाऊँगा, ये लगा देंगे। और PPR का डोज लगाने के लिए फिर मैं एक बार आऊँगा, जिसका शायद अगर आपको अच्छा लगे तो मैं उसका ही वीडियो दिखाऊँगा, और जितना मेरे से हो सकेगा ये बच्चे का मैं हेल्प करूँगा। और बड़े बड़े पशुपालक तो हमने बहुत देखा है या लोग कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा पशुपालक बकरी पालक जो कि अपने पढ़ाई के लिए अपने गार्जियन का हेल्प करना चाह रहा है, उसका हेल्प में अगर कुशवाहा ना हो तो फिर कुशवाहा के होना ना होना एक समान है। मैं जैसा भी हूँ, लेकिन मैं ये लड़का तो अपना गरीबी बताया, लेकिन इससे भी ज़्यादा गरीबी से मैं आया हूँ, लेकिन अपना मैं क्या फ्लैशबैक आप लोग को बताऊँ, मैं बहुत ही झेल के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं इनका यथासंभव मदद करूँगा, मैं कमेंट का जवाब नहीं देता क्योंकि टाइम नहीं होता, और जल्दी मेरा रिप्लाई नहीं जाता क्योंकि मैं व्यस्त रहता हूँ, डेली क्लासिंग चलते रहता है, तो बहुत से लोग गाली भी देते हैं, लेकिन इसीलिए कुछ अच्छा काम करिए, कुछ दुआ भी बटोर लिया जाए ताकि वो कटे। तो हालांकि अगर 1% लोग अगर गलत बोलने वाले हैं तो 99% अच्छे दुआ देने वाले भी मुझे मेरे भाई मेरे साथ हैं, इसलिए हिम्मत रहता है और मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, और मैं आप लोग को यही कहूँगा कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं और सुरक्षित बकरी पालन करें, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस करने वाले को जज्बा चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, धन्यवाद।